हेलो स्टूडेंट्स, सो अपने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, आपने वीडियो देखी है, उसमें मैंने करवाया था दर्पण सूत्र और उसमें मैंने बताया था आपको कि अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आवर्धन। तो आज अपने पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि आवर्धन होता क्या है। जैसे कि मेरे पास देखो, ये मार्कर है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि मार्कर कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। मान लो, मानने में क्या बुराई है, मान लिया मैंने कि मार्कर मेरे पास 5 सेंटीमीटर का है। अब कोई कह रहा है कि मुझे इससे जो है इसका छोटा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो कितना छोटा दिखाई दे रहा है, मान लो 2 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। और अगर इसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो वो कितना दिखाई दे रहा है, मान लिया कि अपने को 8 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। तो अपने जो साइंस है ना, इसमें अपने को पूरी करेक्ट वैल्यू बतानी पड़ती है किसी भी चीज़ की। तो ये जो करेक्ट वैल्यू है ना, ऊंचाई है, कितनी ज़्यादा दिखाई दे रही है, कितनी कम दिखाई दे रही है, अपने किससे ज्ञात करेंगे, आवर्धन से ज्ञात करेंगे। तो सिंपल शब्दों में है कि आवर्धन जो है किसी भी वस्तु की अगर ऊंचाई है या उसको अपने मतलब कम उसका प्रतिबिंब बना है, उसके बारे में हम पूरी की पूरी डिटेल आवर्धन से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है आवर्धन की। आवर्धन क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश और बिंब की ऊंचाई h का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। आवर्धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, अपने m से डिनोट करेंगे। कैपिटल m लिख दो या स्मॉल m लिख दो, फिलहाल हम स्मॉल m लिख रहे हैं। स्मॉल m लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, h डैश अपॉन में बिंब की ऊंचाई कितनी है, h। दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मैथमेटिकल रूप लिख लिया। देखो ये क्या है, अपनी इक्वेशन नंबर 1 मान ली इसको। चलो इतना काम हो गया। अब इधर देखो, मैंने एक ये ना प्रतिबिंब आरेख बना के रखा है। सबसे पहले इस आरेख को समझो। देखो अपने पास कोई वस्तु है, कहाँ पड़ी है, पी से परे पड़ी। पहली बात तो ये कि अवतल दर्पण लिया उन्होंने, तो पी से क्या है वस्तु, परे पड़ी है ये। ए भी अपने पास कोई वस्तु है। यहाँ से फर्स्ट जो है मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस में से निकलेगी, ये चली गई फोकस में से। दूसरी किरण, किसी भी परावर्तन का दूसरा नियम कि कोई भी किरण है वो जब जो तिरछी आएगी आपके किसी तल से टकराएगी तो उतने ही वेग और उतने ही कोण के साथ दूसरी दिशा में लौट जाएगी। तो देखो यहाँ से ये किरण आई, परावर्तित हुई और यहाँ से चली गई। यहाँ पे दोनों किरणों ने काटा तो मतलब अपने को प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, P और F के बीच में, ये अपना F है। तो ये प्राप्त हुआ, तो प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो गया अपने को, A डैश B डैश, ठीक है। अब ये जो अपने पास प्रतिबिंब आरेख है ना, इसको लेके चलते हैं। इसमें से अपने को दो त्रिभुज लेने हैं। सबसे पहले देखो समकोण कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के साथ। पहला समकोण तो देखो ये बन रहा है, ये रहा। दूसरा समकोण ये रहा, यहाँ बन रहा है। तो इन समकोण को लेते हुए अपने त्रिभुज देखेंगे। सबसे पहला त्रिभुज मान लेते हैं अपने ए डैश बी डैश और पी तक, यहाँ तक। ये देखो यहाँ से यहाँ तक और ये रहा, तो पहला त्रिभुज इसको नाम ये रहा, पहला त्रिभुज। तो अपने पास पहला त्रिभुज कौन सा है, ए डैश बी डैश और पी, ए डैश बी डैश और पी। तो अब देखो अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं अपने, यहाँ समकोण बन रहा है, अपने क्या लेंगे ए बी और पूरा यहाँ तक पी, ए बी पी यहाँ तक, ये रहा ये रहा, ठीक है। तो लिखो वह त्रिभुज ए बी पी क्या मान लेते हैं अपने, समरूप मान लेते हैं, समरूप। क्यों मानते हैं, क्योंकि समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अपने को क्या चाहिए, भुजाओं का अनुपात चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज एक की, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी की। सबसे पहले अपने मुख्य अक्ष की जो अपने पास लंबाई है ना वो ले लेते हैं, मुख्य अक्ष वाली भुजा ले लेते हैं। तो इस पहले त्रिभुज की क्या बन गई मुख्य अक्ष की भुजा, पी बी डैश। देखो यहाँ पे पी बी डैश अपॉन में दूसरे त्रिभुज की देखो पी बी, पूरी आ जाएगी पूरी यहाँ तक पी बी। अब इसके बराबर में एक काम करते हैं, लंबे वाले भुजा ले लेते हैं। सेम वैसे ही करना है जैसे अपनों ने क्या कहा किया था, दर्पण सूत्र में किया था। ए बी है और ए डैश बी डैश है, एक नंबर त्रिभुज ही है। तो सबसे पहले इसकी अपनी भुजा लिखेंगे, लिखो ए डैश बी डैश अपॉन में इसकी क्या भुजा हो गई, ए बी, ठीक है।
ये तो अपने पास चलो हो गया, इसको चलो छोड़ दिया, अपने पास एक इक्वेशन आ गई, एक समीकरण आ गई। अब इस पूरे के पूरे जो समीकरण है ना, इसके अंदर अपने को मान रखने पड़ेंगे। कहाँ से? इस गणित अपने पास ये जो प्रतिबिंब आ रहे हैं यहाँ से। देखो सबसे पहले अपने के पास क्या है, पी बी डैश, पी बी डैश। देखो ये क्या है, अपना बिंब है। क्या है ये? बिंब है। ध्यान से देखो यहाँ तक, तो यहां से यहां तक की दूरी यहां लिख रही हूं मैं, सॉरी पी बी क्या है, बिंब दूरी है, तो यहां क्या आएगा, u। बिंब दूरी को अपने किससे लेते हैं? देखो यहां से यहां तक नापते हैं तो अपने इसको u से लिखते हैं, पी बी डैश। सॉरी देखो पी बी डैश करनी है अपने में, देखो पी बी डैश। तो ये क्या है, प्रतिबिंब है। पी बी नहीं लेना, मैं पी बी ले रही थी, पी बी नहीं लेना, पी बी डैश हो गए। तो पी बी डैश प्रतिबिंब है, तो पी बी डैश यहां से यहां तक नापा, तो पी बी डैश की क्या होगी, प्रतिबिंब दूरी अपने बी मानते हैं, तो इसको बी लेके चलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, पी बी डैश हो गया, उसके नीचे क्या है, पी बी लिखो। पी बी क्या है अपने पास, पी बी। अब देखो पी बी बिंब है, तो बिंब दूरी होगी, तो इसको कहा क्या लिखेंगे, यू। यहां से नापते हैं अपने अपने पास जो ध्रुव होता है, वहां से यहां तक की बी तक की दूरी होगी यू, बिंब दूरी है। उसके बाद आ गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। देखो अपने पास कहाँ है, ये रहा ए डैश बी डैश। ये क्या है अपने पास, बिंब है, तो बिंब की ऊंचाई, ये रही बिंब की ऊंचाई, उन्होंने क्या मानी है, एच। यहाँ क्या लिखोगे, एच। देन नेक्स्ट देखो क्या संख्या बच, किस तरफ एक बची है, ए बी। यहाँ लिखो ए बी। अब ए बी देखो, ए बी क्या अपने पास, बिंब, तो बिंब उन्होंने कहाँ ले लिया, एच, सॉरी वो होगी एच डैश प्रतिबिंब, और बिंब की ऊंचाई क्या होगी, एच। एक बार दोबारा से देख लो, पी बी डैश ये रहा बिंब, प्रतिबिंब की दूरी है तो बी, पी बी बिंब तक की दूरी है तो यू, ए डैश बी डैश क्या है अपने पास, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, एच डैश। देन अपने पास क्या है, ए और बी है, मतलब क्या है, बिंब की ऊंचाई है, तो बिंब की ऊंचाई अपने पास क्या है, एच है। चलो ये सबके मान तो आ गए अपने पास, लेकिन अब एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो अपने पास दर्पण है ना, अब तो दर्पण उसके इस साइड अपने जितनी भी दूरियां लेंगे सारी की सारी माइनस में जाएंगे, इस साइड सारी की सारी दूरियां किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो लिखो सबसे पहले, और हाँ एक बात और, ये तो होगी लेफ्ट राइट की बात, अब बात करते हैं ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां होंगी सारी क्या होंगी, धनात्मक पॉजिटिव, चाहे बिंब है चाहे प्रतिबिंब ऊपर की साइड बन रहा है तो वो भी पॉजिटिव लेंगे, और बाकी जो नीचे की साइड अपने दूरियां आ रही हैं वो क्या लेंगे अपने, नेगेटिव। तो उस अकॉर्डिंग लगाओ इसके निशान, पी बी डैश क्या आएगा, माइनस। इस साइड बन रहा है अपना प्रतिबिंब भी किस साइड है, इस साइड। अब बात करते हैं ए डैश बी डैश का है, ए डैश बी डैश देखो नीचे की साइड है तो क्या लग जाएगा, माइनस। लेकिन ए बी क्या है, ऊपर की साइड है, तो ऊपर की साइड क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव, तो ए बी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। निशान लगाओ चाहे ना लगाओ। अब चलो मान पुट करो, रखो यहाँ पे पी बी डैश का मान क्या है, माइनस बी, पी बी का मान क्या है, माइनस यू, बराबर रख दो। ए डैश बी डैश क्या है अपने पास, देखो माइनस एच डैश, अब बोन में ए बी क्या है अपने पास, एच। अब देखो इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहां रखो इसको, सीधा सामने करते हैं, एच डैश अपॉन में एच है, इसका माइनस अपने क्या इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन में यू। ये ऐसा क्यों किया, माइनस इधर क्यों लेके गए, क्योंकि ये साइड और ये साइड अपने को बराबर बनानी है, बन गई। अब ये आ गई अपने पास समीकरण नंबर दो, ये मानी थी अपने समीकरण नंबर एक, ये आ गई अपने पास समीकरण नंबर दो। तो लिख दो समीकरण एक व दो से, एक व दो से देखो एच डैश अपॉन में एच बराबर है, एच डैश अपॉन में एच बराबर है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इधर
ज्यादा बड़ा नहीं है, आराम से समझोगे सारे का सारा समझ आ जाएगा। आज का अपना अंधता का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट अपने करेंगे आंखों के बारे में, आईज का।